अपने दम पर जैसा चाहा, मेहनत से वैसा कर डाला। मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। नमस्कार, मैं हूं बाबला कोचर। नमस्कार, मैं हूं जूही मल्होत्रा। हम आपका स्वागत करते हैं डीडी किसान की इस खास प्रस्तुति में, जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड्स। जोरदार तालियां। जब तक जीवन है तब तक अपने सपनों को साकार करने की हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। इसलिए जीवन को नहीं खोना है, जीवन को जीना है। और इसका साक्षात प्रमाण है ये महिला किसान नायिकाएं जो हमारे इस मंच पे आती हैं और अपनी उपलब्धियों से पूरे देश को प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने सम्मानित जजेस का स्वागत करते हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारी आज की पहली जज हैं डॉक्टर प्रेमलता सिंह, जोरदार तालियां आपके लिए। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर बलदेव सिंह जी का, जोरदार तालियां डॉक्टर बलदेव सिंह जी के लिए। तो जूही जी, और ज्यादा जोर से तालियां बजने वाली हैं हमारी आज की पहली महिला किसान नायिका के लिए। लेकिन ये बताएं, भारत के किस प्रदेश से ये महिला किसान नायिका आ रही है? जी, हम स्वागत करते हैं शांता पटेल जी का, जो आई है डूंगरपुर राजस्थान से। जोरदार तालियां। वीरों वीरांगनाओं की भूमि से आई हैं शांता पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है शांता पटेल जी आपका। शांता जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। शांता जी, आपका दिल्ली तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा मैडम। बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा। मंच पर आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत मेरे को खुशी है, यहाँ तक आने का डीडी वालों ने मौका दिया, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है। शांता जी, हमारे जजेस से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फिल्म आपके परिवेश पर, आपके गांव पर, आपके परिवार के बारे में हमने एक फिल्म बनाई है, वो फिल्म पहले देखते हैं और फिर उसके बाद में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे बातचीत जो होगी बहुत ही रोचक बातचीत होगी, उस सिलसिले को हम शुरू करेंगे। पहले देखते हैं ये फिल्म। शौर्य संस्कृति, चटकीले रंग और अनुपम सौंदर्य का संगम है रंग रंगीला राजस्थान। कहीं मीलों तक फैले धोरे तो कहीं माथे का मुकुट अरावली, जिसकी तलहटियों में न जाने कितनी संस्कृतियां पनपी हैं। इस राज्य की सोम और माही नदियां जीवन रेखा मानी जाती हैं। राजस्थान का जिला डूंगरपुर, पहाड़ों का नगर कहलाने वाले डूंगरपुर को सन 1282 में रावल वीर सिंह ने बसाया था। उन्होंने ये क्षेत्र भील प्रमुख डुंगरिया को हराकर अपने अधीन किया था। उसी डुंगरिया के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा डूंगरपुर। यहाँ का जूना महल हो, देव सोमनाथ या सांस्कृतिक केंद्र बन चुका संग्रहालय या फिर गेप सागर, डूंगरपुर को कुदरत ने अपने हाथों से नवाजा है। डूंगरपुर इलाके की मिट्टी दोमट किस्म की है, लौह कणों की वजह से ये लाल दिखती है। इस माटी में पोटाश और चूना भी है, जो सोयाबीन, मक्का, धान और सब्जियां उगाने के अनुकूल है। लेकिन कई जगह चूना और नाइट्रेट ज्यादा होने से फसलें कम हो जाती हैं। इसी डूंगरपुर से कोई 15 किलोमीटर दूर है गांव माडा। हरियाली से भरपूर माडा गांव के किसान अब कई तरह की फसलें लेने लगे हैं। चोली दामन का खेती पशुपालन का साथ यहां साकार तो है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किसान कौन है? ये किसान है प्रगतिशील महिला किसान शांता पटेल। शांता पटेल ने खेती किसानी में नई राह पकड़कर सफलता हासिल की और दूसरे किसानों को भी राह दिखाई। सीधे बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रेमलता सिंह जी से, उनसे पूछते हैं उनकी राय क्या है। सबसे पहले तो मैं डूंगरपुर से आने वाली शांता जी, आपका स्वागत करती हूं। और डूंगरपुर, जैसे हमने कहा, आपने बताया भी, ये पथरीला भी है, पहाड़ियां भी हैं, फिर भी आप यहां पर खेती कर रही हैं। और यहां के वो बागड़ भी बोलते हैं, यहां के लोगों को बागड़ी बोलते हैं। और जब बागड़ी हमें याद आया तो यहां के लोकगीत
और डांस बड़ा मशहूर है, है ना। इनके जीवन के बारे में जब हमें रिसर्च मटेरियल दिया गया, शोध हमें मटेरियल दिया गया, तो बताया गया काफी अभावग्रस्त जीवन था, पर जीवन में कुछ हासिल करने की प्रबल इच्छा थी और उसके लिए जीवटता की, कर्मठता की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने अपनी जीवटता कर्मठता से कामयाबी हासिल की, लेकिन किस तरह से हासिल की उसके ऊपर एक और फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं वो फिल्म और फिर उसके बाद में जजेस के पास चलते हैं। सफल महिला किसान शांता पटेल का दरअसल पारंपरिक खेती बाड़ी से परिवार का कामकाज चल ही नहीं पा रहा था। जरूरत कुछ ऐसा करने की थी कि परिवार को उसकी खोई हुई समृद्धि वापस मिल जाए और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। मुझे बहुत खुशी है और मैं सब्जी और मार्केटिंग का काम करती हूँ और खेती बाड़ी का और पशुपालन सबका मैं काम करती हूँ और मैं यहाँ हमारे औरतें घर और खेतों के तक ही सीमित थी। अब मैंने ऐसा सोचा कि हम बाहर क्यों नहीं जा सके, यूँ करके मुझे मार्केटिंग, हम खुद हमने हाथों से मार्केटिंग का काम किया और मेरे से 400 महिलाएं मेरे से सीखी, इससे सब 400-500 महिलाएं हम मार्केटिंग का काम करती हैं। कुछ नया करना चाहिए ऐसा जो लीक से हट कर हो, लेकिन क्या और कैसे, इसी उधेड़बुन में शांता को पारिवारिक कारणों से गुजरात जाना पड़ा। वहां उसने देखा कि खेती और पशुपालन में नवाचार अपनाने से आर्थिक हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन सवाल था कि क्या किया जाए और कैसे। पहले खेती बाड़ी का ही काम कर रहे थे, धीरे धीरे मुझे कृषि विज्ञान केंद्र और गुजरात से मुझे ये मीटिंगों में यूँ गई, इससे मुझे जानकारी हुई कि हमारा परिवार छोटे जोत से नहीं चल पा रहा है, तो हम ऐसा काम करें कि जो ज़्यादा हमें उपज मिले, ऐसा काम करें। यूँ करके हमने ये सब्जी का और पशुपालन और ये काम किया तो इससे हमें बहुत लाभ मिला। शांता पटेल ने जो कुछ सीखा इसे वो दूसरों से बांटती है तो खुशी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये सिर्फ अपना नहीं एक समाज और गांव का विकास है जो जिले से होते हुए प्रदेश और राष्ट्र तक अपनी गूंज बिखेरता है। पहले दो ही भैंसे थे, इससे मैं धीरे धीरे गुजरात गई, गुजरात में डेयरी पालन का सब देखा, इसके बाद मैंने भैंसे खरीदी, भैंसे 8-10 भैंसे और गायें हैं, गायों से हमें अच्छा इनकम मिल रहा है और गोबर खान वर्मी कंपोस्ट, मैं इसे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से भी मैंने ये सीखा, इससे मैंने सब्जियों का सबका इनकम मुझे अच्छी मिल पा रही है, इसलिए मेरा परिवार अच्छा चल रहा है। शांता पटेल को पति सुरेश पटेल का पूरा पूरा साथ मिला है। सुरेश पटेल को गर्व है पत्नी शांता पर, जिसके प्रयासों से आज पूरा परिवार समृद्ध हुआ है और गाँव वालों को कुछ नया करने की प्रेरणा मिली है। मेरी पत्नी के आने के बाद में मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। इससे पहले हम पुरानी पद्धति से खेती करते थे, जिस कारण से वो पढ़ी लिखी महिला एक घर में आने के बाद पशुपालन, सब्जी उत्पादन, फसल उत्पादन सभी का वो हमने प्रशिक्षण लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर के, और मेरी पत्नी ने भी प्रशिक्षण लिए, जिस कारण से प्रशिक्षणों को लेने के बाद में घर पर आकर के उनको प्रशिक्षणों में जो सीखा था वो घर पे हमने कार्य किए, और जिस कारण से मेरी पत्नी ने पूरे घर को एक समृद्ध बनाने का काम किया। डेयरी पालन में, पशुपालन में अच्छी अच्छी नस्ल के पशुओं को रखने की जानकारी पढ़ी लिखी महिला नहीं हो तो नई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती है। आइए अपने जजेस से उनकी राय लेते हैं। श्रीमती शांता जी, आपको नमस्कार। आपने नवीन जो खेती का शुरुआत किया उसमें क्या क्या आपने नई चीज़ें प्रयोग की? सर, मैंने पहले तो मेरे देसी सब्जी कान वो यूज़ कर रहे थे, धीरे धीरे मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्या किया जाए उससे हमें अच्छा मुनाफा और हमें लाभ मिल सके। यूँ तो मैंने ऐसा सोचा, हमारे जॉब कम होने के कारण मैंने यूँ सोचा अपन इंटर्न कॉपिंग करें तो और अच्छा अपन को मुनाफा मिलेगा। थोड़ा बहुत मेरा से ये मैंने खुद मेरे मुंह से ऐसा सोचा कि ऐसा ही करना चाहिए, फिर मैंने कहा कि इंटर कॉपिंग करें। पहले धनिया की बुआई की, धनिया की बुआई करने के बाद मैंने टमाटर की नर्सरी तैयार करी, एक तरफ नर्सरी तैयार की, एक तरफ धनिया लगाए,
फिर धनिया 30 दिन का हुआ, इतने में नर्सरी भी तैयार हो गई, फिर धनिया इतना हुआ, इसके बाद मैंने नर्सरी वो टमाटर की थी वो धनिया में लगा दी। एक पाला बना इसमें तो टमाटर की बुआई की, एक पाले में मैंने मिर्ची की बुआई की, फिर धीरे धीरे 60-70 दिन का धनिया हुआ, इसके बाद धनिया उखाड़ लिया तो फिर टमाटर के फूल आने लग गए। धनिया डूंगरपुर में खुद सेल मार्केट करने के लिए गई तो कम से कम 60-70 रुपये धनिया गए मेरे। उस साल तो मेरे कम से कम 4-5 लाख का इनकम अच्छी मिली मेरे को, 4-5 लाख रुपया आए। इसी का मैं पहाड़ी इलाका उसको समतलीकरण करवा के इसमें मिट्टी भरवा दूँ, इस उन्हीं पैसों से मैंने समतलीकरण करवाए। फिर समतलीकरण करवा के फिर मैंने उसी खेत में सब्जी उगाई, तो वो तालाबों की मिट्टी लाई थी, इससे उतनी उपज हुई मेरे के क्या कहूँ सर, कहा ही नहीं जाए। अरे वाह, गांव वाली पूरी महिलाएं मेरे से सलाह ले के वो गांव वाली भी कंपटीशन कर रही है, और धीरे धीरे मेरे कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर सीएम भाई साहब का सहयोग मिला, इससे मैं यहाँ तक यह सब्जी का काम कर रही हूँ सर। जी बहुत खूबसूरत भाई, देखा आपने बाबला जी कि किस प्रकार अपनी कमाई को उसी खेत में लगा दिया इन्होंने। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए जो नए बीज सब्जियों के, विशेष करके आपका टमाटर का है, ओकरा का है, ये बीज कहाँ से मिलता है? पहले तो हमारे घर पे देसी होता था, वो यूज कर रही थी। धीरे धीरे केवी के से मेरा डॉक्टर सीएम भलाई साहब से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने बताया कि आप शांता जी जैसे ये देसी कमा रहे उसी तरह हाइब्रिड बीज का यूज करोगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो आपको नए बीज लगाने से उपज में काफी फर्क दिखाई दिया? बहुत फर्क आया सर। दुगुना कैसा रहा? तिगुना बढ़ गया यूं सर। वाह क्या बात है, यही सुनना चाहते थे शायद डॉक्टर साहब। जी जी जी, एक तो दूध का काम करती हैं आप, हाँ? और इसके चारे दाने का आपके खेत से हो जाता है कि बाहर से खरीदते हैं? नहीं, मेरे खेत से हो जाता है। पशु को दाना जो दिया जाता है वो घर पे बना लेती हैं? हाँ सर। क्या क्या मिलाती हैं? एक तो पहले तो मैं गेहूँ मक्का, हाँ? दान और वो कपास की खोली आती है वो, अच्छा, मिनरल मिश्रण वो सब मिला के एक ड्रम भर देती हूँ। 4 बजे उठ के भैंसों को पहले सुबह में दूध निकालने के पहले मैं वो बाटा एक तैयार करती हूँ, वो बाटा खिलाती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत। आपके पति जी दूध निकालने में मदद करते हैं? नहीं वो नहीं करते मदद तो। वो मदद नहीं करते, करते हैं भैंसों का तो इतना जल्दी नहीं उठ पाते, थोड़ा लेट ही उठते हैं। बहुत अच्छा। आप अनाज लगा रही हैं, चाहे वो मक्का है, गेहूँ है, और उसकी आपको जरूर वैरायटी के बारे में भी पता होगा, किस्म के बताएंगी कुछ? मक्का में तो पायोनियर का करती हूँ, हाँ। ने दान में वो रत्नहाल होती है, साल होती है वो, ने एक गुजरी होती है, बासमती उनका यूज करती हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, बहुत खूब। आप जो है बीज का अपना सीड प्रोडक्शन भी करती हैं, खुद भी बनाती हैं? हाँ, बीज कौन से बीज बनाती हैं आप कृषि विज्ञान केंद्र से? पर अच्छा। कहीं थोड़ा बहुत हाइब्रिड बीज लाओ तो और अच्छा उपज मिलेगी, हाँ, हाइब्रिड खरीद के भी लाते हैं। ठीक है, जो बीज नया लगाया पैदा हुआ, अगले साल उसको खरीदना ना पड़े, उस बीज से चुनाव करके अगले साल के लिए रख लेता है? सर करती हूँ ये भी। है? बीज तैयार करके मैं खुद दूसरे किस चीज का करती हैं? एक तो भिंडी का, हाँ? टमाटर के जो फर्स्ट टमाटर जो सर लगते हैं क्या वो बड़े होते हैं, हाँ? वो टमाटर पहले वाले मैं थोड़े बहुत ले आती हूँ घर पे, अच्छे पक जाते हैं, उसके बाद बीज निकाल के पानी में धो के धूप में सुखा देती हूँ। रात की ओस गिर जाती है क्या तो वो टमाटर अच्छे बड़े नहीं होते, उसके ऊपर ओस नहीं गिरनी चाहिए तो ही टमाटर बड़े होते हैं सर। बहुत अच्छा, क्या बात है। इस कहानी को आगे लेकर चलेंगे, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट कर आएंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डीडी किसान की इस विशेष कृति में जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड्स। जोरदार तालियां।
और ये तालियां बजती रहनी चाहिए। आज जो विलक्षण प्रतिभा हमारे बीच हमारे साथ में इस मंच पर मौजूद है, शांता पटेल जी राजस्थान से आई है, डूंगरपुर राजस्थान से। बातचीत का सिलसिला इनके साथ में आगे बढ़ाते हैं, मजा आ रहा है इनके साथ में बात करते हुए और नई नई जानकारियां मिल रही हैं। जो उत्साह है, जो ललक है और जो व्यक्तित्व के अंदर ओजस्विता है, कमाल की है जी। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे शांता जी के कार्यक्षेत्र पर बनी हुई अगली फिल्म में। आइए देखते हैं ये अगली फिल्म। आज शांता का खेत एक कॉलेज है जिसकी स्टूडेंट्स हैं उसकी सखी सहेलियां। वे शांता से सारे नवाचार सीखती हैं और उन्हें अपने अपने खेतों में लागू भी करती हैं। शांता भाई सो सब सिखाए, हम सारे साथ में जाते हैं बेचने के लिए और सब्जी बेचते हैं, वापस आकर खेतों में जाकर सब्जी करते हैं और घर के भी काम करते हैं, सारा हमारे ये खेती बाड़ी का काम है। शांता बहन से हम ये सीखे हैं ये भिंडी लगानी, तोड़नी और मार्केट में जाके बेचनी, सब साथ में रह के बेचते हैं, भाव इनकम भी एक जैसा ही रखते हैं, कोई थोड़ा कम कोई ज़्यादा ऐसे नहीं रखते, सब एक जैसा भाव रख के फिर मार्केट में बेचते हैं। अपने इस सफर में शांता पटेल को डूंगरपुर के कृषि विज्ञान केंद्र की मदद मिली। इस केवीके के संपर्क में आने के बाद तो मानो रास्ते निकलते गए और कामयाबी का रथ सरपट दौड़ पड़ा। कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग ली और इन्होंने आज माडा से केवल यही नहीं, इनके साथ में 20 से 30 मिल्क पैदा कर रहे हैं, तो उनको अपने को प्रोडक्ट उसकी कीमत को किस प्रकार करें, उसका मूल्य को संवर्धन किस प्रकार करें, इस प्रकार की अपने को आज इन्होंने बताया। घर में इक्का दुक्का गाय भैंसे तो थी लेकिन आगे चलकर कुछ और गाय भैंसे खरीदी और उनके पालन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की। आज उसकी अपनी एक गौशाला है, यहाँ गाय भैंसों के अलग अलग हिस्से हैं। हवा पानी की सुविधाओं वाले गौशाला में सभी देशी गोवंश है, वर्मी कंपोस्ट खाद और गोबर गैस से ऊर्जा आज माडा की पहचान बनने लगे हैं। हमारी जोत कम है इसलिए हम एक साथ 5-6 सब्जियों उपज लेते हैं, 5-6 सब्जियों की, इसमें थोड़े दिन पकने वाली, ज़्यादा दिन पकने वाली, दो 4-5 प्रकार की सब्जियां करते हैं, धनिया पालक मिर्ची टमाटर सब हम मिक्स एक पोत में करते हैं और हम खुद नर्सरी हमारे हाथों से खेतों में तैयार करते हैं। शांता पटेल के पास आज ढेरों सम्मान और पुरस्कार हैं तो प्रधानमंत्री के हाथों राष्ट्रीय सम्मान भी शांता की थाती है। खेती का मूल मंत्र है कि एक ही फसल के बजाय बहुत सारी फसलें अलग अलग ली जाएं। गोवंश से मिलने वाली जैविक खाद से खेती को प्राकृतिक और गुणवत्तापूर्ण ही रखा जाए। किसान अपनी सब्जियां उगाएं और उनके लिए नए बाजार की तलाश करें। खेती और डेयरी क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ने वाली शांता पटेल आज देश में महिला स्वावलंबन, सशक्तिकरण और चौतरफा विकास की जीती जागती मिसाल है। आइए शांता जी, आइए। प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रीय सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है और अब तो ये उस लेवल पे पहुंच गई हैं कि अपने खेत में ही कॉलेज चलाती हैं। जी हाँ, इनके यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं और इनके अनुभवों से सीखते हैं और यही नहीं अब तो ये शिक्षक भी बन गई हैं। इनके खेत में कॉलेज चलता है जी, विद्यार्थी आते हैं इनके खेत में और इनके अनुभवों से सीखते हैं। आइए सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। शांता जी बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि आप तो टीचर बनी हुई हैं, ट्रेनर हैं, है ना, और हमने ये भी देखा कि आपके साथ 600 महिलाएं हैं, तो क्या समूह बना रखा है, समूह में भी काम कर रही हैं? हाँ मैडम, समूह बना रखा है। अच्छा, समूह में क्या क्या करती हैं आप? समूह में 100-100 रुपये पर महीने जमा करती हूँ, मैं किसी के जरूरत हो नहीं हो तो मैं वो पैसे ला के उन महिलाओं को देती हूँ और मेरे घर पे वो रोजाना काम करने के लिए आती है, उसी में से मैं 100 रुपये उनका समूह में डालती हूँ और फिर जो उनका काम पड़े कुछ समस्या आ जाए उसमें समूह से निकाल के मैं उनको देती हूँ। रोजाना पर डे मेरे घर पे 4 महिलाएं रहती है काम करने, फिर उनको रोजगार में दे रही हूँ, फिर एक साल ही रहते हैं मेरे घर पे,
वो मेरे से सीख के तुरंत उनके घर पे खेती करने लगे। फिर दूसरे साल दूसरी लेबर रखती, यूं नहीं मेरे से बहुत सारी लेबर है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, और आप डेयरी से भी अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, अच्छा फायदा हो रहा है, तो कितना फायदा हो जाता है डेयरी से बताइए। ₹3,500 का पर डे रोज दिन का होता है मेरा। अच्छा, ₹3,500 रोज का दूध बेचती हैं आप? इसमें से कम 1600-1700 रुपया का बचत रहता है, दूसरा गाय को। वाह वाह वाह, क्या बात है। 1600-1700 रुपए रोज की अगर बचत है खर्चा करके, तो बहुत अच्छा काम है। जॉइंट फैमिली है मैडम, जॉइंट फैमिली सब मिल के करते हैं, मेरे अकेले से। अच्छा नहीं, पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अभिनंदन। हमारे घर पे 12 सदस्य है, सब मिल के हम करते हैं। और चारे का फिर कैसे करते हैं? चारा का कम से कम 1-2 बीघे में हरा चारा करते हैं। हमारा पहाड़ी इलाका, वहाँ सूखी चारा बहुत होती है। ने गेहूं का वो सुखला बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? सुखला होता है वो, 100 बोरी इतने गेहूं हो जाते हैं मेरे मैडम। हाँ ठीक नहीं, बहुत अच्छा, आपका काम देख करके बड़ी खुशी हुई। मैं डॉक्टर प्रेमिता ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की थी, स्वयं सहायता समूह, ये इसका जो जानकारी आपको कहाँ से मिला? सहायता समूह क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, इस सब की जानकारी आपको कहीं से मिली कि अपने आप शुरू किया? मैंने अपने आप तो नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र में गए तो धीरे धीरे एक समूह की बात चल रही थी वहाँ। तो सर ऐसी क्या बात है, हमको भी बताओ, हम भी सीखे और मैं भी समूह चलाऊ। फिर कृषि विज्ञान केंद्र ने बड़ाई जी ने ओझा साहब ने वो बातचीत कर रहे थे, हमारे यहाँ एक पास में समूह चल रहा है। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा समूह, सर मेरे को बताओ, मैं भी मेरे चलाऊंगी और मेरा परिवार और मेरे गांव वाले आसपास गांव वाले सबका समूह मैं बनाऊंगी और मैं चलाऊंगी। उन्होंने बताया, फिर मैंने मेरे घर पे आके चालू किया। एक सवाल मेरे मन में आया कि आप पानी के लिए क्या करती हैं? आपने सुना है फव्वारा इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन? मैडम मेरे गर्मी के दिनों में पानी की थोड़ी कमी रहती थी। फिर कृषि विज्ञान और कृषि विभाग से मैंने उनसे मुलाकात हुई और पूछा कि सर हमारे गर्मी के दिन जो सब्जियां करते हो वो सूख जाती है पानी की कमी के कारण, तो क्या किया जाए सर? तो सर ने बताया कि या तो ड्रिप लगा दे, या पानी की बचत हो गई, या फुहारा लगा दे। पहले तो मैंने ड्रिप की ही 2-3 बीघों में की, फिर धीरे धीरे गर्मी को मेरा वो सब्जी सूख जाती थी, वो नहीं सूख पाती थी, ड्रिप से पानी की बचत हो गई, तो इसलिए मेरा सब्जियां हो गई। फिर 2 साल के बाद ड्रिप का फुहारा सिस्टम भी किया मैडम। बहुत क्या बात है, मतलब आधुनिक खेती करती हैं, आधुनिक तरीके से उसे बेचती हैं और आधुनिक तरीके से उसका हिसाब किताब रखती हैं और नित नए प्रयोग भी करती हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। शांता जी, आपके साथ स्टूडियो में कौन आया है? मेरे हस्बैंड। हस्बैंड आए हैं, कितने मुस्कुराते हुए अंदाज। अच्छा, आप एक बार फिर से गई, आपने जिस प्रेम से कहा मेरे हस्बैंड, बहुत अच्छा लगे, फिर से गई है। मेरा हस्बैंड लाइव साथ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत स्वागत है। जब इस तरह से कोई पत्नी अपने पति को संबोधित करती है तो उनके मन में जो आत्मीयता और जो प्रेम होता है वो साफ तौर पे देखा जाता है। और आपका बहुत बहुत स्वागत, अपना परिचय दें। सुरेश पटेल, गांव माड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान से हूँ। सुरेश जी, आज इतने बड़े मंच पर, राष्ट्रीय मंच पर आपकी पत्नी शांता जी यहाँ पे मौजूद है और पूरा राष्ट्र उनको सम्मानित कर रहा है, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी है सर, इस मंच पे मेरी पत्नी खड़ी है तो। क्या बात है, वाह वाह। मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए जी। जजेस से निवेदन है कि शांता जी को आपने वैज्ञानिक कसौटी पे आपने इनका मूल्यांकन किया है जी, इनको नंबर दें जी जी। और जब तक मूल्यांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, शांता जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप दर्शकों के बीच जाकर अपने स्थान पर बैठें। ब्रेक के उस पार एक और किसान नायिका है जिनका परिचय हम अपने दर्शकों से करवाएंगे, आपके अंक भी बताएंगे। दोस्तों आप देखते रहिए डीडी किसान की एक खास प्रस्तुति जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार
दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डीडी किसान की इस विशेष कृति में जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। अब आपको ले चलते हैं उस जगह की यात्रा कराने जिसे कि छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, यानी कि मुरादनगर गाजियाबाद से आने जा रही है सरोज बालाजी जी। जोरदार तालियां मुरादनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आई सरोज बालाजी के लिए। यहाँ आ जाए। सरोज जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि सफर कैसा रहा, क्योंकि सफर काफी छोटा था, काफी जल्दी आ गई होंगी आप। जी, इस राष्ट्रीय मंच पर आकर क्या महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है मेरे को। सरोज जी, आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके परिवेश पर, मुरादनगर पर हमने एक फिल्म बनाई है। पहले वो फिल्म दिखाते अपने जजेस को और फिर आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर ये है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का मुरादनगर शहर। दिल्ली मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बसा मुरादनगर अपने में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व समेटे हुए है। धार्मिक महत्व की बात करें तो छोटा हरिद्वार नामक धार्मिक स्थल यहीं स्थित है। आधुनिक औद्योगिक शहरी जीवन के बावजूद मुरादनगर में आपको चारों ओर हरियाली से सुसज्जित प्राकृतिक दृश्य नजर आ जाएंगे। साथ ही ये शहर जाना जाता है अपने खूबसूरत कालीनों और चादरों के लिए। ऑर्गेनिक किचन गार्डन, ये एक ऐसा किचन गार्डन है जहां फल हो या सब्जियां या कुछ और, सभी को पूरी तरह से शुद्ध और देसी रूप में उगाया गया है। ये है महिला किसान सरोज कश्यप जी, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों का एक जैविक किचन गार्डन तैयार किया है। इनके किचन गार्डन में 50 से ज्यादा किस्म की सब्जियां, फल, मसाले, औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां और सजावटी पौधे आदि लगे हैं। आइए सरोज जी, आइए। डॉक्टर प्रेमलता जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं सरोज जी आपका स्वागत करना चाहती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई। और आप ये हरी और पीली दोनों जो कृषि से संबंधित कलर्स हैं, है ना, इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। और जैसे कि हम जानते हैं गाज़ियाबाद, मुरादनगर गाज़ियाबाद में है, दिल्ली के पास में है। जैसे हम लोग मुंबई में है अपना गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसे इसको गेटवे ऑफ दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली का गेटवे बोलते हैं। और यहाँ की दरियाँ हैं, चादरें हैं, वो बड़ी मशहूर हैं। और यहाँ तो क्योंकि दिल्ली के पास है, यहाँ कारखाने भी कहीं हैं, फैक्ट्री बहुत हैं। और एक फैक्ट्री जो बड़ी मशहूर है वो इससे जो बॉम्ब्स के उसके खोल जो बनाते हैं, है? कुछ बताएंगी उसके बारे में? एक जो फेमस आपके यहाँ जो फैक्ट्री है? हाँ मैडम, फैक्ट्री है, वो सरकारी फैक्ट्री है, उसमें बॉम्ब के खोल बनते हैं। अच्छा, हाँ जी। पूरी उम्मीद है कि आपसे बातचीत जो होगी बहुत ही रोचक बातचीत होगी, उस सिलसिले को हम शुरू करेंगे। पहले देखते हैं ये फिल्म। सरोज रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती हैं और शुरू हो जाता है सरोज का रोजमर्रा का कामकाज। जीवन में कुछ कर गुजरने की ललक और इच्छा शक्ति सरोज को कभी थकने नहीं देती। सरोज जी जब अपने किचन गार्डन में पहुंचती हैं, तो वहां लगे सुंदर रंग बिरंगे फूलों और सब्जियों आदि को बढ़ते देख सरोज के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान देखने को मिलती है। शादी के बाद सरोज अपने पति के साथ सरकारी घर में रहने लगी।
शादी के बाद सरोज के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, लेकिन सरोज ने मुश्किलों से हार नहीं मानी। चूंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ फिर हम थोड़ा किचन गार्डन में लग गए, सिर्फ उसमें जब अपने सब्जी वगैरह उगाते थे जैसे अरबी, लौकी, तोरी, बैंगन, आलू, टमाटर, इस तरह से हम उसमें सब्जी उगाते थे, उसमें हमें बहुत शौक लग गया। तो उसके साथ साथ फिर हमने और सब्जियाँ उगानी शुरू कर दी, जैसे मशरूम आदि का काम भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसमें जब जो खुदाई उदाई का काम होता था तो उसमें थोड़ी कठिनाई आती थी, तो उसको तो फिर हमें हेल्प मिलती थी, हमारे पति थे वो भी हमें हेल्प देते थे। अपने घर के आसपास पड़ी खाली जमीन को एक छोटे से फार्म के रूप में विकसित किया। इतना ही नहीं, अब तो सरोज अपने परिवार का खाना बनाने के लिए अपने किचन गार्डन में लगी जैविक सब्जियों का ही इस्तेमाल करती हैं, जो खाने में तो स्वादिष्ट हैं ही, साथ ही सेहत के लिए भी काफी अच्छी होती हैं। सरोज के शौक को हुनर में बदलने और आगे बढ़ने में उनके परिवार, पति और बच्चों ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। मेरे जीवन में सरोज बाला आई है, उनसे शादी हुई है, तब से उन्होंने काफ़ी मेरी जो जिम्मेदारी है अपने ऊपर से ले ली हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों से उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमें अब देख करके किचन गार्डन की तरफ बड़ा खुशी होती थी, और तरह तरह के फूल पौधे और देख करके बहुत ही आनंद आता था, मन को शांति मिलती थी कि हमारे पत्नी सरोज बाला ने के सहयोग से ये सब काम हो रहा है, और हमें भी रुचि रखते हुए इसमें हाथ बटाना चाहिए। तो हम बड़ा सहयोग करते हैं उनके काम में और उन पर बड़ा गर्व करते हैं। आज हमारी मम्मी को देखकर और भी लोग प्रोत्साहित होते हैं ताकि ये बगीचा बना सकें और अपने घर की साग सब्जियां उगा सकें। औरों को भी मम्मी बहुत प्रेरित करती हैं इस चीज़ से, और सिखाती भी हैं, समझाती भी हैं कि कैसे ये चीज़ उगाई जाती हैं, और बीज वगैरह से भी सहयोग करती हैं। सरोज को देखकर कहा जा सकता है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा और हरदम कुछ नया सीखते रहने की ललक है, तो समय और उम्र आपकी तरक्की में कभी बाधा नहीं बन सकते। सरोज न सिर्फ अपने शौक को अपना हुनर बनाकर सफल हुई, बल्कि वो आज गांव की दूसरी महिलाओं के लिए भी एक आदर्श बनी है। क्या बात है, आइए सरोज जी, आइए 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 आइए। सरोज जी के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट है, वह इनका परिवार इनके साथ मिलकर काम करता है, वो भी बहुत खुश है, और जितने भी गांव के लोग हैं वो भी इनसे बहुत प्रेरित होते हैं। क्या कहेंगे हमारे जजेस? आपका कौन कौन सा आप कार्य कर रही हैं? हमने फिल्म में तो किचन गार्डनिंग का देखा, उसके अलावा और क्या काम करती हैं? बस सर जी, मैं घर का ही काम करती हूँ। घर का जी, बहुत सुबह उठ जाती हूँ 3 बजे करीब, फिर सुबह घर में पूरा झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर नहा धो के मंदिर जाती हूँ, 5 बजे मंदिर से आती हूँ, उसके बाद फिर घर में पूजा करती हूँ, तो 6 बज जाते हैं, फिर वो घर के लिए नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए बनाती हूँ, पति ड्यूटी जाते हैं उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद जो समय बचता है खाना बनाने के बाद फिर मैं अपने किचन गार्डन में देती हूँ। किचन गार्डन का जो आपको ये विचार कहाँ से आया कि हम करें? तो ज़मीन है कि उसमें सब्जी उब्जी उगाएं? ये बेकार ज़मीन पड़ी थी सर जी, तो अच्छा नहीं लगता था, बहुत गंदा गंदा, तो हमने उसको सफाई करके हमने सोचा इसमें सब्जी उगाएं तो खाने के काम भी आएगी। जो हम बाज़ार से सब्जियां लाते थे उसमें कीड़े निकलते थे, जैसे बैंगन में कीड़े निकलते थे, गोभी में कीड़े निकलते थे, कई बार लौकी तोरी भी अंदर से सड़ी हुई निकलती थी, तो हमने कहा ये ख़राब सब्जी ना खा के अपनी सब्जी उगाएं, उससे हमें बहुत अच्छा मिलेगा, हमारे बच्चों की भी सेहत अच्छी रहेगी, इसलिए हमने ये विचारा कि हम अपने खुद की सब्जियाँ उगाएं, खुद का गार्डन बनाएं। जैसे क्या क्या इसका सब्जी का चक्र क्या क्या लगाती हैं, जैसे बरसात में क्या हुआ, उसके बाद सर्दी आई, फिर गर्मी आई, जैसे कौन कौन सी है फसलें हैं जी? अब जैसे सर्दी आ गई तो अब हमने हरी सब्जियाँ लगाई हुई हैं, जैसे मेथी है, पालक है, चना है, टमाटर है, मटर है, गोभी है, पत्ता गोभी है, लाल गोभी है, बंद गोभी और हरी वाली बंद गोभी है, टमाटर हैं, और अभी हमने हल्दी और मिर्चे, वो भी हमारे बहुत काफ़ी 1 साल के लिए हो जाती है। तो इन सभी में आपने उन्नत किस्में लगाई हैं जी? सभी में हाइब्रिड बीज की उन्नत किस्में हैं जी। इसकी जानकारी कहाँ से मिला? इनकी जानकारी सर जी, पहले तो हमारे बहुत कम उपज होती थी,
तो जैसे जैसे हम हमारे केवी के बन गया तो हम उनसे लोग उससे मिले तो उन्होंने हमें जानकारी दी, उन्होंने हमारी मिट्टी की भी जांच कराई, कहीं की अपनी मिट्टी की जांच कराई है, उससे हमने जाके तो उन्होंने बताया कि इसमें ये कमियां हैं, तो उसे पूरी करने के लिए फिर वो कहते थे कि इसमें ये खाद की कमी है, तो हम खाद भी अपने ही बनाते हैं जो हमारे पेड़ों के पत्ते होते हैं जैविक जी, जैसे पेड़ों के जी केचे वाली नहीं सर जी, गड्ढे में दबा देते हैं, जैसे भूसा होता है मशरूम उगाते हैं उसका भूसा होता है गला हुआ, उसको गड्ढे में डाल देते हैं, और फिर जो पत्ते वत्ते होते हैं गली सारी सब्जियां होती हैं जी सबको गड्ढे में डाल के उसी की खाद उसको ढक देते हैं, फिर से दो गड्ढे बनाए हमने, दो गड्ढे बनाए से एक गड्ढा तैयार होता है फिर दूसरा गड्ढा भर देते हैं। कितने दिन में आप उस गड्ढे से खाद वो निकालती हैं? दो तीन महीने में तैयार हो जाती है सर, उसमें पानी भी डालते रहते हैं तो गल जाती है, बन जाती है खाद, बन जाती है 3 महीने। हाँ जी। अच्छा, बटन वाला मशरूम हम देख रहे थे आपने लगा रखा है जी, है ना? तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली सर जी? केवी कैसी मैडम, केवी कैसे मिली? क्या क्या सीखा आपने ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में ये इसको कैसे लगाना चाहिए, इसके लिए ये भूसा कैसे तैयार करना चाहिए और इसमें किस तरह से बीज डालना चाहिए, तो उन्होंने हमें बताया जी पहले भूसे को हम भिगोते हैं 24 घंटे के लिए, फिर उसको थोड़ा निकाल के फैला देते हैं तो उसमें थोड़ी जिससे नमी बने, ज़्यादा पानी ना हो, फिर पॉली बैग लेते हैं उसमें छेद करते हैं चारों तरफ 3-4 जगह, फिर नीचे पहले भूसा डालते हैं फिर उसमें वो इसका मशरूम का बीज डालते हैं फिर भूसा डालते हैं फिर मशरूम जी 3 पट लगा के फिर उसको रबड़ से बैंड कर देते हैं, तो उसके लिए हुक बनाए हुए उसमें रख देते हैं बैग को। अच्छा, तो आप ये मशरूम भी जैसे अपने खाने के लिए ही लगाती हैं कि इसकी बिक्री भी करती? नहीं, बिक्री भी करते हैं मैडम। अच्छा, तो कैसे पैकेट वगैरह बनाते? पैकेट बनाते हैं मैडम 200 ग्राम के। अच्छा, कहाँ बेचते हैं इसको? हमारे यहाँ पैठ बाजार है गाजियाबाद में, सेल करते हैं गाजियाबाद ले जाते हैं जी। तो इससे आपको कितना फ़ायदा हो जाता है मैडम? इससे एक फसल में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये हमें बच जाते हैं मेहनत से और सामान जो लगा सब ख़त्म करके, बचत होती है इतनी। तो ये सफलता की कहानी को आगे ले जाते हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डीडी किसान की इस विशेष कृति में जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। आज इस मंच की शोभा बढ़ा रही हैं मुरादनगर उत्तर प्रदेश से आई सरोज बाला जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जूही जी आपने कहा था कि इन सभी महिला किसान नायिकाओं की कामयाबी में एक चीज कॉमन है और वो है कृषि विज्ञान केंद्र। बिल्कुल, कृषि विज्ञान केंद्र ने सरोज बाला जी के जीवन में क्या अहम भूमिका निभाई और किन किन लोगों से इन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और ये किस किस का मार्गदर्शन कर रही है, विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देंगे इस अगली फिल्म में जी। सरोज ने खुद को सफल महिला किसान के रूप में स्थापित कर लिया है। किचन गार्डन में कई किस्मों के फल, सब्जियां और औषधीय पौधे लगाए गए हैं। कुछ साल पहले अपने घर के आसपास खाली पड़ी जगह को सरोज ने एक किचन गार्डन के रूप में विकसित किया। खेती किसानी से जुड़े कार्यक्रमों में तो सरोज हमेशा हिस्सा लेती ही हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर में भी सरोज अक्सर आती जाती रहती हैं। केवी के से हम एक तो हमारी मिट्टी की जांच कराते हैं और हमें हर चीज का बीज उपलब्ध कराते हैं, बाहर का कोई केमिकल नहीं यूज करते, कुछ जैसे कोई कीड़ा कुछ लगता है तो हम केवी के से सलाह लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि नीम के तेल को पानी में घोल के उसका स्प्रे कर दीजिए। और वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से खेती किसानी से जुड़ी सलाह लेकर अपने किचन गार्डन को और भी बेहतर बनाने में जुटी रहती हैं। श्रीमती सरोज कश्यप जी को जानकारी दी गई तो उनके द्वारा बहुत रुचि दिखाई गई तथा जो तरीके वैज्ञानिक संस्कृति इन्हें बताई गई, इन्होंने उस तरीके से मेड़ों पे गाजर मूली का उत्पादन, मेड़ों पे मेथी का प्लेन
में उत्पादन किया गया। शुरू शुरू में 3-4 सब्जियों का उत्पादन प्रारंभ किया गया था, लेकिन आज इनके गृह वाटिका में लगभग 15 सब्जियां, 8-10 फल के पौधे और लीफी वेजिटेबल्स का उत्पादन किया जा रहा। शुरू शुरू में ये केवल सब्जी उत्पादन तक ही तैयार थी, आज की तारीख में ये बर्मी कंपोस्ट का काम कर रही हैं, नर्सरी उत्पादन कर रही हैं, मशरूम उत्पादन कर रही हैं और बोनसाई सबसे बड़ी बात सरोज कश्यप जी की है, ये स्वयं करने में रुचि रखती हैं कि जब तक ये प्रूनिंग का काम या किचन गार्डन का काम स्वयं ना करें तो अपने आप को संतुष्टि महसूस नहीं करती हैं। सरोज के किचन गार्डन में ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किए गए पौधों के अलावा बोनसाई और मशरूम भी देखने को मिल जाएंगे। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। सरोज जिस तरह से अपने परिवार और रोजमर्रा के कामकाज के साथ साथ अपने किचन गार्डन को संभाल रही हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि सरोज न सिर्फ एक सफल महिला किसान है बल्कि अपनी ही तरह की दूसरी महिलाओं के लिए एक आदर्श भी हैं। उन सब लोगों के लिए प्रेरणा है जिनके घर में खाली जगह है लेकिन वो उसका कोई भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। सरोज जी अपने परिवार के लिए तो फल सब्जियां औषधीय पौधे उगा ही रही है बल्कि उनसे मुनाफा भी कमा रही है, हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम इनका मैं देख रहा हूँ। किचन गार्डनिंग एक मॉडल है जो कृषि विज्ञान केंद्र बढ़ावा देता है। आपके पास कितनी जमीन है? करीब 125 बीघे जमीन है सर। अच्छा अच्छा, तो पूरे में किचन गार्डनिंग करती है? जी पूरे में किचन गार्डन है, जैसे किनारे पे हमने अब पपीते लगा दिए, अनार लगा दिया, आड़ू है, बीच में अमरूद है। फिल्म में देखा ये सब लगे हुए थे, मेड़ों पे फूल भी थे, फल के पेड़ भी थे। हाँ जी, चीकू भी लगा हुआ है, आलू बुखारा भी लगा हुआ है। आप किसका बनाती है, किस ये औषधि फसलों का या इसका भी सब्जियों का भी पौध? सब्जियों की भी बनाते हैं जी। अभी जैसे अभी हमने प्याज की पौध बनाई हुई है, प्याज की जी, अभी वो छोटी है, जब बड़ी हो जाती है तो सर अपने भी लगाते हैं। और फूलों की भी पौध लगाते हैं जी। किस चीज का? जैसे आम की, आम का? हाँ जी, फलों में तो ये लगाते हैं, पपीते की पौध बनाते हैं, अमरूद की, आम की जी। अच्छा, कौन सा पपीता है, किस 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 का है? सर वैरायटी तो मुझे नहीं मालूम लेकिन अच्छा। हाँ पपीते खूब भर के लगते हैं जी। हाँ, इसके बीज बनाने की जो पौध बनाने की जो विधि है जी, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी सर जी केवीके वालों से, कि जो पपीता जी पेड़ पे पक जाता है जो पपीता, उसको तोड़ के हाँ, उसके बीज को निकाल के सुखा देते हैं। हाँ, फिर उसको सुखाने के बाद फिर वो कहते हैं कि इसको राख के साथ मिला के तब इसको पौध बनाइए। अच्छा, हाँ जी। पौध जहाँ डालती हैं, हाँ जी, वहाँ क्या सावधानी होनी चाहिए? वहाँ पे कोई कीड़ा पतंगा ना आए, उसके लिए चौथा हम चूने का भी प्रयोग करते हैं, जैसे जो चूना होता है उसको चारों तरफ डालते हैं कि कीड़ा पतंगा ना लगे, और उस पर पहले नीम का स्प्रे करते हैं। आप सब पौध अपने आप अपने उपयोग में लाती हैं, कहीं बिक्री भी करती हैं? सर नहीं, जो कोई लेता तो सर जी बेच भी देते हैं। अभी बेच देते हैं? हाँ, जिन्होंने छोटे बहुत बगीचे लगाए आ जाते हैं पौधे। कहाँ बेचती हैं इसको? सर जी वहीं पे लेने आ जाते हैं जो आसपास के किचन गार्डन वाले हैं, वो आपको यहाँ से ले जाते हैं जी। अच्छा अच्छा, इस काम में कौन कौन मदद करता है घर के आपके? घर में मेरे पति मदद करते हैं, मेरे देवर हैं वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये बाजार में जो बेचती हैं उसमें मदद करते हैं जी? बाजार में बेचती तो मेरे देवर ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी। सरकारी कई योजनाएँ हैं जो कि किचन गार्डनिंग के लिए सहायता के रूप में मिलती है, सब भारत सरकार की और प्रदेश की, उसमें कुछ योजनाओं का आपको जानकारी है? नहीं सर जी, इसमें कोई जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा सरोज जी, बताइए कि आपने पूसा संस्थान के बारे में सुना है? जी। कहाँ पर है ये? दिल्ली में सर। अच्छा, यहाँ कभी आई हैं आप? जी आई हूँ, मैडम के उसी से आई हूँ। कब आए थे आप? अभी पिछले साल ही आई थी मैडम। अच्छा, ये मेले के टाइम आते हैं? नहीं, मेले के टाइम नहीं आए थे, जो मतलब कृषि वालों के आते हैं ना, उनका वो हाँ। कुछ समूह आता है तो उन्हीं के साथ ही आते हैं। अच्छा, समूह के साथ आई हैं। तो यहाँ कृषि विज्ञान मेला लगता है, आपको पता है, हर साल मार्च में, उसमें कभी आए हैं आप? नहीं मैडम, यहाँ तो नहीं आए, लेकिन मेरठ में गए थे, जो मेरठ में लगता है। अच्छा,
तो पूसा आए हैं, तो पूसा की कोई खास किस्म, खास तौर पर जैसे धान में या कुछ जिसका आपने नाम सुना हो, आप नहीं भी लगाती हो पर जिसके लिए मशहूर है, वो कुछ बताएंगी? मैडम पूसा की, मैडम ये बीज वगैरह पूसा से ही ज़्यादा हमको दिलवाते हैं। वो जैसे इसका बीज जो होता है उसका, वो पालक का बीज हुआ, टमाटर का बीज हुआ, तो ये हमें पूसा से दिलवाते हैं वो बहुत। और ये प्याज का भी बीज हमें पूसा से दिलवाते हैं। अच्छा, और उसकी किस्म आप ध्यान नहीं है आपको? नहीं, किस्म तो ध्यान नहीं है, बस बीज होता है उसको लगाते हैं ये। अच्छा, हम देखें जैसे ये हमारे देवरी लाते हैं ना, तो उनको ज़्यादा ध्यान है कि कौन सा बीज है क्या है। अच्छा जी, और आपने हाई स्कूल पढ़ा हुआ है जी, तो आप जैसे इंटरनेट है, मोबाइल, ये कृषि की जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं मैडम, कोई इस्तेमाल नहीं करती मैं। अच्छा, बस मैं घर के काम में ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जैसे समय बचता है तो एक डोरी वाला काम होता है उसको कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, डोरी वाला, ये मैक्रमे बोलते हैं जी? हाँ, जैसे शीशे बनाने, फ्लावर पॉट बनाने, और ये बैग बनाने, कुशन कवर बनाने, ऐसे। तो इनकी बिक्री भी करते हैं? मैडम केवीके में जब मेला लगता है उसी में ही बिक्री करते हैं। बिक्री भी करते हैं जी। सरोज जी, स्टूडियो में आपके साथ कौन आया है आज? मेरी दोनों बेटियां आई हैं, उनके दो बच्चे आए हैं, और मेरे देवर हैं, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और एक मेरे पड़ोसी हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह 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 जी। सरोज जी की तरक्की का यहाँ पर एक जो बहुत सुंदर उदाहरण हम सबको दे रहे हैं, उसको देखने के लिए कितने सारे लोग इनके साथ आए हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, जनाब आपसे अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रहलाद सिंह है, मुरादनगर से, और ये जो स्टेज पे हैं ये हमारी भाभी जी हैं, और ये हमारी भतीजी हैं जी। हमने देखा कि आप इनकी बहुत मदद करते हैं, सिर्फ इतना ही सरोज जी के लिए देखते हैं, आगे भी कोई उज्जवल भविष्य, कोई बड़ी प्लानिंग है आपके मन में? देखो, इतना तो मैं किचन गार्डन में करता ही हूँ, आगे करने का भी लगन है। आगे आने वाले वक्त में जब ये काम बढ़ेगा, सरोज जी का बड़े स्तर पर काम होगा, आप लोग इनकी मदद करेंगे, मिलके काम करेंगे? जी बिल्कुल, तो जोरदार तालियां भाई आपके लिए। इससे पहले कि हम सरोज जी आपके अंक बताएं, इस एपिसोड की पहली किसान नायिका शांता पटेल जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप भी मंच पर लौट आए। हमारा निवेदन है डीडी किसान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री आलोक अग्रवाल जी से कि आज की दोनों महिला किसानों को वो शॉल उड़ाकर सम्मानित करें, इस मंच पर आए। आलोक अग्रवाल जी, डीडी किसान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री आलोक अग्रवाल जी, डूंगरपुर राजस्थान से आई शांता पटेल जी, मुरादनगर गाजियाबाद से आई सरोज बाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबला जी, अंक मेरे पास आ चुके हैं, और अब फिर से वो घड़ी आ चुकी है जहां नंबर बताने पड़ेंगे जी, वो तो आप ही को काम करना है। जिस प्रकार हम हर एपिसोड में कहते हैं कि इस मंच पर आने वाली हर महिला किसान विजेता है, और हमेशा ही वो विजेता रहेंगी, पर क्योंकि अंक बताने जरूरी है, हम शुरुआत करते हैं शांता पटेल जी के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स ने शांता जी को दिए हैं 81% अंक, जोरदार तालियां। सरोज बाला जी को दिए हैं हमारी ज्यूरी ने 62% अंक, जोरदार तालियां। आप दोनों महिला किसान नायिकाओं को बहुत बहुत बधाई, आप प्रेरणा की स्रोत हैं, और एक बार फिर से आपका अभिनंदन। आप सबसे निवेदन है कि आप इसी तरह से इस कार्यक्रम के साथ में बने रहें, और डीडी किसान पर अगले एपिसोड को आप जरूर देखें। हम आपसे वादा करते हैं कि अगली कड़ी में हम लेकर आएंगे ऐसी ही दो उत्कृष्ट महिलाओं की कामयाबी की एक और मिसाल आप सबके सामने, और पूरा राष्ट्र इनसे प्रेरित होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दम पर जैसा चाहा, मेहनत से वैसा कर डाला, मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। महिला किसान भारत की शान, महिला किसान।